हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आज हम बनाएंगे चॉकलेट क्लब सैंडविच और उसमें जाएगा डेरी मिल्क. नॉट ओनली डेरी मिल्क बट येस ऑफ कोर्स डेरी मिल्क. आज हम चॉकलेट को बहुत ही हेल्दियर वे में कंज्यूम करने जा रहे हैं और ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है टू आवर डार्लिंग चिल्ड्रेन. एंड आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप सब घर पे बनाएंगे और सब इसे बहुत ही इन्जॉय से खाएंगे. मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड लिया है बिकॉज वो बहुत हेल्दी होता है. आप चाहें तो वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं. अब इसके ऊपर हम डालेंगे चॉकलेट स्प्रेड. आप चाहें तो नटेला भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी चॉकलेट स्प्रेड. इट्स ऑल अप टू यू. मैं यहाँ रेगुलर चॉकलेट स्प्रेड यूज़ कर रही हूँ. अब इसे तीनों ब्रेड में अच्छे से स्प्रेड कर देंगे. स्प्रेड हो जाने के बाद हम इस पे रखेंगे चॉकलेट बार. आप चाहें तो कोई भी बार यूज़ कर सकते हैं. मैं यहाँ डेरी मिल्क यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई लव डेरी मिल्क पर्सनली. आप चाहें तो आप अपने मनपसंद के बार यूज़ कर सकते हैं. अब इसके ऊपर जाएगा कोई भी चॉकलेट चिप्स वाले बिस्किट जिसमें चोको चिप्स हो, थोड़ा क्रंची हो. मैं यहाँ हाइड एंड सीक यूज़ कर रही हूँ और एक ब्रेड के ऊपर मैं डाल रही हूँ वाइट चॉकलेट चिप्स. आप चाहें तो इसके ऊपर भी हाइड एंड सीक बिस्किट यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास वाइट चॉकलेट चिप्स नहीं हो तो. इट्स ऑल अप टू यू. हमारा तीनों ब्रेड का लेयर बहुत ही अच्छे से डेकोरेट हो गया है. अब इसके ऊपर हम क्रश करेंगे वाइट चॉकलेट. वाइट चॉकलेट इज़ ओनली फॉर डेकोरेशंस. ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है. अगर आपके पास वाइट चॉकलेट मॉड नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है. इट इज़ नॉट एसेंशियल और इसकी वजह से कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला. इट इज़ ऑल अप टू यू. अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. मैं यहाँ पे वाइट चॉकलेट ग्रेट कर रही हूँ और आप तीनों लेयर पे ज़्यादा से ज़्यादा वाइट चॉकलेट स्प्रेड करें. इवन आई विल सजेस्ट यू कि अगर आपके पास चीज़ है तो आप वो भी डाल सकते हैं बिकॉज वो भी बहुत अच्छा टेस्ट इन्हेंस करेगा. सो इट्स ऑल अप टू यू. अब मैंने यहाँ तीन लेयर लगा दिया. अब और एक ब्रेड है उसको मैं ऊपर से रख दूँगी. एंड यू कैन सी द ब्रिज ऑफ चॉकलेट क्लब सैंडविच. वाओ, डिवाइन. अब हम इसे तवा पे टोस्ट करेंगे. आप चाहें तो ग्रिल भी कर सकते हैं बट मैं यहाँ तवा पे टोस्ट करना ठीक समझ रही हूँ. इट्स ऑल अप टू यू. मैंने इस पे बटर डाला और बटर को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे. और इसके ऊपर रखेंगे हमारा द ब्रिज ऑफ चॉकलेट क्लब सैंडविच. द डिवाइन, द चॉकलेट, द अल्टीमेट चॉकलेट लवर चॉकलेट सैंडविच. अब ये एक तरफ से जब लाल हो जाए तब आप इसे पलट दें कुछ इस तरह से. और ये बहुत ही ज़्यादा लेयर है तो आप इसे बहुत ध्यान से करें वरना सब अगर गिर गया तो पूरे तवे पे आ जाएंगे. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसे बहुत आहिस्ते आहिस्ते करें और जैसे ही वो दोनों तरफ से लाल हो जाए आप उसे प्लेट पे निकाल लें और ऑफ कोर्स सर्विंग प्लेट पे. अब बड़े से नाइफ से इसे बीच से कट कर लीजिए. सर्व इट द वे आई एम सर्विंग बिकॉज यही वे में ये खाया जाता है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है. यू कैन सी द मेल्टेड चॉकलेट. वाओ, आई जस्ट कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ ईटिंग दिस डिवाइन चॉकलेट सैंडविच. मैंने तो बहुत चॉकलेट सैंडविच खाए हैं बट ऐसा चॉकलेट सैंडविच मेरा फर्स्ट टाइम है. अब इसके ऊपर मैंने हर्शली का सिरप डाल रही हूँ. आप चाहें कोई भी चॉकलेट सिरप डाल सकते हैं बट मुझे चॉकलेट सिरप थोड़ा कम लग रहा है तो मैं और डालने जा रही हूँ. इट्स ऑल अप टू यू. आप जितना चॉकलेट पसंद करते हैं उतना ही डालिए. ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ. आजकल तो हर शॉप पे हर्शली सिरप मिलते हैं. अब इसके ऊपर हम डालेंगे स्ट्रॉबेरी सिरप. हर्शली का स्ट्रॉबेरी सिरप भी आता है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं.
चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी दोनों मिलके बहुत ही अच्छा टेस्ट लाए हैं। और अब ऊपर से आप थोड़ा वाइट चॉकलेट चिप्स डाल दीजिए। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, आई एम गोइंग टू टेक अ बाइट, आई के नॉट स्टॉप माई सेल्फ। मैं बताती हूँ आप लोगों को कैसा लग रहा है ये मैंने उठाया एंड यू कैन सी द लेयर्स। ऑसम। प्लीज़ गाइज गो एंड ट्राई दिस रेसिपी, इट्स डिलीशियस, इट्स जस्ट, मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप लोग भी जाइए और मज़े कीजिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक माई वीडियो, इफ़ यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब माई चैनल देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो।